How he got it, but yeah, welcome to another episode of Ask Ganji Swag. Thank you so much for all the love and the support that you guys show, especially towards this channel. और सब्सक्रिप्शन भी आपकी तरफ से बढ़ रही है, विच इज़ ग्रेट. सवाल भी काफ़ी आ रहे हैं. इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने मेंशन किया था कपल ऑफ डेज अगो दैट इफ़ यू हैव एनी, बिकॉज आई विल बी शूटिंग अ फ्यू एपिसोड विद माई वाइफ वाइल आई एम हेयर मेकिंग द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी. तो अगर आपके कोई ऐसे सवाल है जिसमें यू वॉन्ट अ फीमेल परस्पेक्टिव, यू कैन सेंड इन योर ई मेल विद इन दिस वीक, क्योंकि फिर ज़ाहिर है फिर वापसी का भी टाइम होने वाला है. अभी तो खैर कराची में लॉकडाउन है, सो आई माइट डिले फॉर अ फ्यू डेज. तो सब्जेक्ट पर ज़रूर लिखिएगा मिसेस स्वैग, सो दैट वी नो आई कैन फिल्टर आउट दोज क्वेश्चंस फॉर हर. और लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो एपिसोड बेगम के साथ होती है ना, उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज उसमें एनिमेशन होती है, सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो उसकी वजह से जो है ना दूसरी चीज़ें रुक जाती हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगी एपिसोड. इस चीज़ का बस ज़रा ख्याल रख लीजिएगा. अपोलॉजीज फॉर दैट. अदर देन दैट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव, एंड यू कैन सपोर्ट ऑन patreon.com/ganjiswag इफ यू वॉन्ट. आज के सवाल की तरफ चलते हैं. द फर्स्ट वन सेज गज़ल टू गॉड. हेलो देयर, आई एम 21 ईयर ओल्ड फ्रॉम कराची स्टडिंग इन इस्तांबुल. लेटली आई हैव बीन मूव्ड बाय द वर्क्स ऑफ उर्दू पोएट्स एंड फिलोसफर्स. आई एम डिस्कवरिंग सो मेनी डोर्स टू लाइफ whilst coming closer to God in a way I truly acknowledge like never before. The ecstasy of poetry and spirituality is the most beautiful thing in the world and has helped me some seriously suicidal people I know live a normal life once again. As anxiety, depression and self-harm are widespread issues in Pakistan, my heart aches and I wish to change that by writing a book where I will try to convey what I have learned. It is supposed to be a practical guide using psychological methods to help one's own self or a friend battle anxiety and find their own self, which is khudi. I have started writing a book, but the fear of rejection and all of it going in vain remains there. Despite all of that, I will go through with it and try to set a culture in Pakistan in which Pakistanis start writing again. We need that more than anything as of now. My book will contain these chapters: elevation and unlearning, art, nature, poetry, becoming a therapist, and parenting. I request you that you comment on these headings as you like, as nowadays I'm facing writer's block. Please tell me what I should add to it, as I'm open to ideas. Although I couldn't express myself thoroughly in this email, but I have tried to remain concise. Thank you so much for your time. Thank you for your email as well, which is, it's a good thing. Aap itni si umar mein jo hai na, aap itna bada kaam kar rahe ho. Asaan nahi hai kitab likhna, especially in topics pe. पोइट्री का ऑफ कोर्स बहुत हाथ होता है इन टर्म्स ऑफ. अब जैसे भाई हम अगर पाकिस्तान की ही बात करें, लाइक यू नो हाउ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, खैर उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं प्लस माइनस हुई हुई हैं हिस्ट्री में. बट अगर हम अल्लामा इकबाल की बात करें, तो उनकी शायरी प्लेड अ ह्यूज रोल इन मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ मुस्लिम यूथ ऑफ इंडिया who started to demand a separate nation, and then we are where we are. ठीक है ना, तो एक पोइट्री की पावर थी. मैंने आपको याद होगा पिछली एपिसोड में मैंने क्या बोला था, द पावर ऑफ स्पीच इज़ वेरी वेरी कंपेलिंग. मैं आपसे क्या यूज़ करता हूँ, क्या मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, क्या मैं कहता हूँ कि मेरा गंजी स्वैग का एयरपॉड खरीदें, या आप ये ग्लास खरीदें, या ये घड़ी खरीदें. मैं आई डोंट सेल एनी थिंग. आई विश आई डेड, बिकॉज एक बिजनेस पे रिलाय करना, खैर छोड़ें वो आगे की बात है. लेकिन ये कि आई ओनली यूज़ माई पावर ऑफ स्पीच, राइट, एंड इट इज़ वेरी कंपेलिंग, विच इज़ वाई हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल लिसन टू मी ऑन अ डेली बेसिस. कल आप यकीन करें, इट वॉज सो फनी कि घर का दरवाजे की बेल बजी, तो रॉयल मेल की तरफ से कोई डिलीवरी थी, कोई बेगम का सामान था वट एवर. तो जिन साहब ने, उनको मैंने शीशे से देख लिया था, वो देखने से ही देसी लग रहे थे, सो आई फिगर्ड के अभी पहचाने ये, क्योंकि ये होता है 9 out of 10 times लोग पहचान जाते हैं. तो उन्होंने मुझे देखा और फिर एक सेकंड के लिए शॉक हुआ, एंड देन यू नो व्हाट ही सेड. सो खैर, गेटिंग शॉक्ड वाला पार्ट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह. लोग जहाँ जाता हूँ लोग पहचानते हैं, मोहब्बत देते हैं. बट वो वॉज रियली इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज, उन्होंने एयरपॉड्स लगाए हुए थे जैसे मैंने लगाए हुए. कह रहे हैं इसमें मैं आपको ही सुन रहा हूँ, अभी मैं आप ही को सुनता हुआ रहा हूँ और आप ही दिख गए मुझे सामने. सो दैट वॉज रेयर अकरेंस. कैन के साथ तस्वीर वगैरह खिंचवाई. सो पॉइंट बीइंग, ये पावर ऑफ स्पीच ही तो है जो लोग सुनते हैं घंटे घंटे की. यार लोग किसी को 2 minutes बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है. आप मेरी वीडियोस घंटे घंटे की देख लेते हैं, तो इसकी बहुत पावर है. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ.
तो जरूर आप बेटा इस पे जरूर काम कीजिए। तो जैसे आपने ये टॉपिक्स मेंशन की ना, एलिवेशन, अर्न लर्निंग, आर्ट, नेचर, पोएट्री, आई वुड सजेस्ट यू शुड ऐड अ चैप्टर और अ सेक्शन फॉर सेल्फ वर्थ, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोग जो है साउथ एशिया में वो सेल्फ वर्थ को नहीं समझते। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस जो है वो वर्दीनेस से ही आती है, कि आप अपने आप को कितना वर्दी समझते हैं, और उसकी बुनियादी वजह उस कॉन्फिडेंस का ना होने की यही है। क्योंकि सबसे पहले ही अगर आप अपने किसी भी, अब जैसे यू नो माय लिल स्वैग, यू नो ही इज अ कंप्लीट फ्री ह्यूमन बीइंग एंड ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ विच एवर वे ही वॉन्ट्स। अभी आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स ही होते हैं, ये भी नहीं करो, चलो गलत चीज़ें तो या डेंजरस चीज़ें तो मना करना चाहिए, मगर ज़्यादातर ना हम प्यार प्यार में ना बहुत सारे एक्सप्रेशंस को रोक रहे होते हैं, तो वो फिर आपको जो है ना ये सेल्फ वर्थ वाला पार्ट में जो है ना लोग इसलिए सफ़र करते हैं बिकॉज घर से ही इतना रोक टोक फेस करना पड़ता है, फिर स्कूल में भी टीचर्स जो हैं इस तरह। सो आई डोंट नो इफ आई मेक सेंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि लोग, पीपल डोंट रियलाइज कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। Every single person out there is supremely important. मैंने पहले भी बहुत बार आपको वो पूरा mathematical वो करके बताया था कि like you know it took 40,000 people for you to exist today. तो आप इतने सारे लोगों की मेहनत हो तो ऐवी तो नहीं हो, अल्लाह ताला ने ऐसी तो नहीं फेंक दिया ज़मीन पर कि जाओ जाके जो है ना आप सिगरेटें फूको या आम खाओ और वापस आ जाओ, खाली ये तो करने नहीं आए। कोई ना कोई मकसद ज़रूर है आपकी ज़िंदगी का, और मैं यही चाहता हूँ कि आप वो ढूंढें, डिटर्मिन करें अपने आप को अंदर। भाई सबसे बड़ी जो खोज है ना वो अपने अंदर की है, वो बाहर की नहीं है कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, या दौलत मिल जाए, या गाड़ी मिल जाए, वो तो सुपरफिशियल है, वो तो उस वक्त तक ही चीज़ है जब तक चीज़ हाथ में नहीं है। जैसी चीज़ हाथ में आ जाएगी उसकी वो वर्थ ही नहीं रहती, मगर जो असल खोज होती है ना इंसान की उसके अंदर होती है, विदिन। और वो जब हम ना, बिकॉज हम इतनी मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में का हिस्सा हैं, हम जो है ना एक्विजिशन ऑफ थिंग्स में ही लगे रहते हैं। मैं देखता हूँ ख़ास तौर पे इन मुल्कों में, यार कहना नहीं चाहिए, नॉट टू बी रेसिस्ट, बट कुछ लोग दिख रहे होते हैं कि दे वुड बी स्ट्रगलिंग इन लाइफ, मगर लुई विटॉन हाथ में पूरा होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो हम घूम रहे थे फहद और मैं, तो वो यही बता रहा था कि जो है ना आप ये देखेंगे लोगों के $1 टी शर्ट होगी लेकिन स्नीकर जो है ना $500 का होगा, सबका जोर ही स्नीकर्स पे या गाड़ी वालों का रिम्स पे, बहुत सुपरफिशियल सोसाइटी। तो हम इसी में ना पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, वो क्या सोचेगा, हम ये भी ले लें तो हमारी एक वर्थ बनी रहे, मगर वो वर्थ बहुत लिमिटेड होती है। आप किससे मुकाबला करोगे और कब तक मुकाबला करोगे, यू नो जेफ बेजोस तो बनने से रहे हम सारे। सो मोक्ष हिंदुइज़्म का एक कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में भी वो है, दूसरे नाम से है भाई। वो देखिए हर मज़हब में ना आपको यही चीज़ मिलेगी लुबे लुबाप, जहाँ बात सेल्फ की आती है वो होता है कि आप अपने आप को डिटैच कर लो इन वर्ल्डली अटैचमेंट से। अब गौतम बुद्ध क्या कर रहे थे, जंगल में जाके वो यही करते, ही वॉज डिटैचिंग हिमसेल्फ, क्योंकि जब आप अपने ट्रू हैप्पीनेस जो है ना, वो मोक्ष जो एक स्टेज आती है, वो आती ही तब है जब आपको ये चीज़ें अफेक्ट ही नहीं करती कि आपकी औलाद आपकी, मगर आई डोंट नो मैन क्या वो भी सही है कि नहीं, कि बिल्कुल औलाद को ही ऐसी छोड़ दें, या जो लोग आपके डिपेंडेंट हैं उनको ऐसी छोड़ के जंगलों में चले जाएं, क्या ये भी सही है, क्या ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दिस ऑब्वियसली, जैसा कि लग ही रहा है आपको, मगर ये मोक्ष का कॉन्सेप्ट ना ज़रूर इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। I just recently met someone who belongs to Hindu community from Karachi. उन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी, क्लियरली मैं पूरा ग्रास्प नहीं कर पाया, तभी मैं आपको पूरा एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा, लेकिन बैक ऑफ द हेड ये भी है ना कि कोई ऐसी बात भी ना हो जाए कि वहाँ से फतवे आए और वहाँ से ही आए, तो माइंड जो है ना बैटल चल रहा है अंदर कि ये बोलना है और ये नहीं भी बोलना, ये बड़े मसले हैं यार, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। खैर एनीवे, सो सेल्फ वर्थ की हम बात करते हैं। बहुत से लोग ये जो इतनी ईमेल्स आती हैं, बेसिकली क्या है, अ लॉट ऑफ दीज पीपल डोंट रियलाइज देयर ओन पोटेंशियल, और वो अपने आप को उस काबिल नहीं समझते, अपने आप को वर्थ ही नहीं समझते कि नहीं ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, या ये चीज़ बिल्कुल जहन से निकाल लें भाई,
कुछ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अब वो वाली बात है कहने वाले, आप देखते हुए ये भी कह सकते हो कि यार मेरे तो घर पे लाइट भी पूरी नहीं आ रही, नेट के भी पूरे बाहर नहीं आ रहे, आप इंग्लैंड में बैठ के कह रहे हो, हाँ जी सब हो सकता है। और मैं इस चीज़ के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, ये जो सेलिब्रिटीज़ जिस तरह आके बड़े आसानी से लपेट देते ना सारी चीज़ें कि हाँ द पावर इज़ विद इन यू और ये वो, कोई 2001 के जुनेद अकरम से बात करें आगे से मैं गाली ही दूंगा भाई, जान निकल, यू नो। So I hope writer's block is very natural. I hope you get over it very very soon and we get to read what you have to say about it. और फिर 10 साल बाद दोबारा लिखना, फिर 10 साल बाद दोबारा अपनी किताब पढ़ना, obviously आपकी जो unlearning होगी और relearning होगी, मतलब शिकवा और जवाब, शिकवा क्या था, वो यही थी ना, learning और unlearning और फिर relearning थी। Learning मुश्किल काम नहीं है, unlearning सबसे मुश्किल काम है। So yeah. So good topics, man. I wish you all the best. Take care. Next question: Esports, gaming, and parents of 19th century mindset. Samir Gujarat, I hope this email finds you in the best of health. I'm really a big fan of your work, particularly Ask Ganji Swag segment, where people like me think that we have a voice. I did mechatronics engineering from, maine university ka naam nahi le raha, but with low grades, as it was not my personal interest, rather pressurized by parents and toxic relatives. गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड बट मैंटेलिटी इज शिट एज फक, वही वाली बात है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मनी। अगर आप यहाँ से खुश नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, यू कैन हैव ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पुरानी एपिसोड में एक वाक्य सुनाया था, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको दोबारा सुनाते चलूँ थोड़ा कंसाइज करके। मैं लाहौर में एक साल रहा हूँ 2011 में, और ऑब्वियसली आई गॉट टू मीट अ लॉट, मेक न्यू फ्रेंड्स, बिकॉज मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था ओपन माइक्स पे, तो फिर वहाँ से बड़े कूल दोस्त बन गए। तो फिर मेरी एक दोस्त हैं बहुत अच्छी, अब तो खाली काफ़ी ज़माने से बातचीत नहीं हुई, शादी वादी हो गई, सब अपने अपनी उसमें लग जाते हैं, बट वी आर स्टिल ऑन फेसबुक। एनीवे, शी इज़ एन आर्टिस्ट, ठीक है, और वो बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं, आर्ट बनाती, पेंटिंग्स बनाती हैं, और मतलब शी इज़ अ कलेक्टर हर सेल्फ, और मतलब सारी चीज़ें आर्ट से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली फिर उनके जो ख़रीदार थे वो फिर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिचनेस और एलीट लेवल था, तो ऑब्वियसली वो दावतों में भी बुलाते थे। तो उन्होंने बोला कि आप आएँ, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा तुमने चलना है साथ, मैं बोला ठीक है चलते हैं। यार लाहौर की बात करो, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लाहौर के मैं एक घर में गया और बेसमेंट में थी वो पार्टी, ठीक है, और बेसमेंट पूरा ब्लैक था, मतलब पूरा फर्नीचर ब्लैक और टाइल्स और ये किचन भी पूरा ब्लैक ना, और नलके में बियर आ रही थी, नलके में, मैंने अपनी आँखों से देखा है, बोले ये क्या सिस्टम लगा हुआ है। एनीवे, मे बी माई मेमोरी रिकलेक्शन इज़ नॉट एक्यूरेट, बट इसी तरह का कोई हिसाब किताब था, और सारे सूटेड बटलर्स थे, सूटेड, राइट, बो टाई लगाई हुई, एंड लाइक इट्स नॉट लाइक कि कोई किसी केटरिंग कंपनी से थे, वो उस घर के थे बटलर्स, ठीक है। एंड वी वर प्रजेंटेड विद सुशी एंड अदर यू नो इस तरह की लवाजमात, और सुशी शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार वहीं खाई थी, एंड आई वॉज लाइक ओके, पीयर प्रेशर में खाली सब खा रहे थे, मैं यार अजीब लगेगा, अब मैं कुछ निहारी वाला आदमी हूँ यार, सीधी सीधी बात है। तो मैंने खाली पीयर प्रेशर में, फिर छोटे छोटे से सैंडविचेस और ये वो, एनीवे पार्टी चलती रही, लोग पीते रहे, हम देखते रहे उनको रेडबुल पीते हुए, और फिर म्यूज़िक भी चला, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन के नेफ्यू भी वहाँ थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाना, बहुत सही पार्टी कराई उन्होंने, गिटार पे थे वो, बहुत अच्छा उन्होंने, मतलब मुझे मज़ा आता है एज ए परफॉर्मर, आई एनवी ने मिला यार, ये होती है परफॉर्मेंस यार, पूरा पूरा घर लेके बैठा हुआ है बंदा, पूरी पार्टी को समेट के बैठा हुआ है, नाम नहीं लूँगा मैं। तो फिर जब हम वहाँ से रात के 3:30 बजे निकले ना, क्योंकि फिर सबकी बस हो गई थी, तो जब हम निकले ना, और उस घर में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इतने लंबे पर्दे थे, मैंने ज़िंदगी में इतने लंबे पर्दे कभी भी नहीं देखे, क्योंकि वो छत से होते हुए आ रहे थे और नीचे तक आ रहे थे, क्योंकि वो दरवाजे के पास एक एरिया था फॉर द सनलाइट, नेचुरल लाइट का, अब आई डोंट नो उसको आर्किटेक्चुरल टर्म्स में क्या बोलते हैं, मगर एक वो सर्कुलर सी एक एंट्रेंस टाइप की थी और वो ऊपर तक जा रही थी, तो पर्दे ऊपर से लेके नीचे, मैंने ज़िंदगी में इतने लंबे पर्दे नहीं देखे थे। मेरे नाना पर्दे सीते थे भाई, प्रोफेशन था उनका, मैं उन्होंने भी नहीं देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में। एनीवे, जब हम वहाँ से निकले ना, तो जिन साहब का घर था ना, वो आंसुओं से रो रहे थे, ठीक है नशे में थे, मतलब पी हुई थी दबा के, मगर वो उनका रोना ये था कि तुम सब मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं इतने बड़े घर में अकेला क्या करूं, दैट्स व्हाट ही वाज क्राइंग अबाउट। कहते हैं ना, नशे में या गुस्से में अंदर से वही चीज़ निकलती है जो दबी हुई होती है, और आप अपने होश में नहीं बोल पा रहे होते, गुस्से में बाहर आती है, नशे में बाहर आती है। आई सॉ दैट मैन क्राइंग,
एंड ऑन दैट डे आई वॉज लाइक यार अगर इतने पैसे के बाद भी आदमी अकेला है तो क्लियरली लाइक अगर खुश नहीं है और रो रहा है दरवाजे पे गैर लोग मतलब मैं तो गैर था ना मुझे तो मैं मुझे उनका नाम भी नहीं याद आ तो क्लियरली मनी इज़ नॉट द आंसर. और फिर ये चीज़ मैं पॉलिटिशियंस में देखता था कि यार इनका पूरा ही नहीं हो रहा देयर बिलियनर्स इन डॉलर्स नॉट इवन रुपीज़ वो फिर भी खा रहे हैं तो अगर फिर भी पूरा नहीं हो रहा तो क्लियरली मनी इज़ नॉट द आंसर इज़ नॉट द एब्सोल्यूट हैप्पीनेस मे बी हैप्पीनेस लाइज समवेयर एल्स. तभी से मैं थोड़ा सा टी ट्रैक हुआ पैसे मेला वो कि पैसा हो तो ठीक है नहीं हो तो भी फाइन एनी वे इट्स इम्पॉर्टेंट आई एम नॉट डिनाइंग पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट हेल्प्स यू मूव अराउंड. तो जो मैंने उनको देखा ना सो या आपने ये जो बात लिखी ना कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है लेकिन लिखा है मेंटालिटी इज शिट एज़ फक नॉट मेंटली मैंने पूरा कसीदा खींच दिया वो मेंटालिटी अच्छा हाँ पैसा है मेंटालिटी पुराने वाली खैर कहानी फिर भी अच्छी है. तो पैसा इज़ नॉट द आंसर और ये हर पैसे वाला आदमी आपको बोलेगा ताकि लोग गरीब रहे यूरो ये भी एक तरीका होता है अरे नहीं पैसे वाले तो नींद की गोली खाए बगैर सो ही नहीं सकते सुकून चटाई में है और अपनी झोंपड़ी में ही सुकून है भाई हम यहाँ खुश सोते हैं ना हमें चोरी चकारी का डर होता है मतलब अभी ये गलत है कॉन्सेप्ट आपका. फिर उन्हीं बस्तियों में जो है ना कोरोना फैलता है वो तो लगा के बैठा हुआ होगा अपना क्या नाम है इसका अम्बानी वो तो अपने 30 फ्लोर वाली बिल्डिंग में वैक्सीन लगा के अलग लेटा होगा तो नीचे लोग कह रहे हैं नहीं नहीं भाई ये तो नींद की गोलियां खा के सोते हैं हम चटाई में खुश है साला बारिश आया है मुंबई का सब बह गए वो बैठा हुआ ऊपर सॉरी खैर वो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन भाई मेंटालिटी शिट इज फक फ्रॉम वेयर पेरेंट्स वर इंप्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड इनफ टू फॉलो देम ब्लाइंडली आफ्टर ग्रेजुएशन I tried to look for a decent job but couldn't get because of low grades. So I worked in call centers but my father didn't let me work because he is an 18th scale retired government officer and this is against his status that he needs to show off in his circle and gossip group. See, मैंने आपको पिछले एपिसोड में क्या कहा था वो जो एक बच्चा था जिसके फादर उसको फोर्स कर रहे थे कि लम्स में जाओ पढ़ने और उसके बाद CSS करो इसी वजह से पोलो इतने बड़े घोड़े वाली टी शर्ट पहन के पोलो ग्राउंड में बैठ के या लाहौर क्लब में बैठ के ठीक है ना वाइन शाइन रख के बियर की बोतल रख के वो फ्लैक्स करना मेरा बच्चा तो ये कर रहा है तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है ये खुद की क्या है आई एम नॉट सेइंग कि 18 ग्रेड का ऑफिसर होना कोई अचीवमेंट नहीं है मगर फाइन ऐसे तो 5,000 लोग हैं पाकिस्तान में राइट इंडिया में 20,000 होंगे बल्कि ज़्यादा ही होंगे राइट तो बस क्या खुद कोई अचीवमेंट नहीं तो अब बच्चे से करानी है anyway. As far as my own personal interest is concerned, I like online gaming and esports, which is now a career for lots of people. I also want to be a gaming content creator, YouTuber and a professional esports player. But my parents and toxic relatives. अरे एक तो relatives. इतना क्यों घुसते हैं relatives? क्यों इतना access है इनको आपकी ज़िंदगी में मेरे भाई? क्यों घुसते हैं ये लोग? और मुझे ना उनके घुसने पे ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत parents पे who let them. Have an opinion about their own children. मेरा कोई ख़ानदान वाला मेरे बच्चों के बारे में कोई ओपिनियन रखे खुदा हाफिज़ भाई वो गेट है आइंदा इधर नहीं आइएगा सवाल ही नहीं पैदा होता है यार दिस इज़ द लाइन यू हैव टू ड्रॉ पेरेंट्स को ड्रॉ करनी है यार आप कौन होते हैं मेरे बच्चे के ऊपर ओपिनियन रखने वाले ठीक है फेल है मेरा बच्चा ना कि आपको आपने खिलाना है उसको आप ही से भरते हो उसकी हमारा बच्चा हम देख लेंगे मगर नहीं साथ मिलके ना पेरेंट्स भी साथ मिलके हाँ ये तो है ही ना लाइक सारे बैठ के अरे यार अपना काम करो भाई खैर डिस्पाइट ऑल दीज अच्छा सॉरी माय टॉक्सिक रिलेटिव्स आर एन ऑब्स्टिकल इन माय पैशन आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दीज रिलेटिव्स व्हाई कांट दे माइंड देयर ओन फकिंग बिजनेस इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग माय लाइफ बेटा उनकी जिंदगी में कोई पैशन होता कोई गोल होता तो उनके पास टाइम ही नहीं होता कि ये फलाने साहब जो है ना सैयद साहब क्या कर रहे हैं समझ रहे मैं ऐसी नाम तो उनका कुछ और है मैं एक बात कह रहा हूँ उनकी ज़िंदगी में कोई पैशन वैशन होता है ना अब देखें हमारी ज़िंदगी में छोटे मोटे पैशन हैं गोल्स हैं मुझे अपने कई कज़न्स का या उनके बच्चों का पता ही नहीं होता मुझे नाम भी नहीं पता कितनों के तो क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई टू कीप अप ठीक है मैं ये भी नहीं कह रहा डिटैच हो जाना चाहिए हाय 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 डिस्पाइट ऑल दीज ऑड्स आई मैनेज टू स्टार्ट माई गेमिंग यूट्यूब चैनल एंड गॉट माई फर्स्ट 400 सब्सक्राइबर्स इन वन ईयर screenshot is attached theek hai beta congrats but whenever I am playing and recording my game my parents keep scolding that I am wasting my time they are living in 21st century
but still have the mentality of 18th century. They don't understand that gaming is a full-time profession for lots of people in this era. जब तक फरहान मामू की बेटी गेमिंग में गोल्ड मेडल नहीं लाएगी उनको समझ ही नहीं आएगी. जब तक दूसरा बच्चा अच्छा उसने भी किया अब तू भी कर, ये जब तक किसी और का बच्चा नहीं करेगा ना इनको वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा. दे स्टिल कंसिडर इट एज अ वेस्ट ऑफ टाइम विद दिस टाइप ऑफ पेरेंट्स. इट सीम्स डिफिकल्ट टू ग्रो विद माई पैशन. कैन यू प्लीज सजेस्ट मी एंड मैनी सिमिलर अदर्स अ वे टू कन्विंस आवर आउटडेटेड पेरेंट्स अबाउट गेमिंग बीइंग अ प्रोफेशन सो दैट दे स्टॉप थ्रोइंग अस into a slavery of 9-to-5 jobs. Sorry about that. 9-to-5 jobs that they can boost in their circles and gossip groups. If possible for you, can you do a detailed podcast on esports and its future in Pakistan with your guest Mr. J Plays to educate parents. Achha, Mr. J Plays, I'm assuming, is some gamer. He's got the title of Asia's best gaming live streamer. He gets highest live viewers when he's live streaming compared to other YouTubers, and many aspiring gaming YouTubers follow him. 500,000 plus subscribers on YouTube. YouTube audience. Wow. I believe it might change the mindset of outdated parents. Just like you, he resides in England. So I believe we can see a podcast between you and Mr. J Plays in the near future real soon. Achha, I cannot promise that Mr. J Plays would agree to sit down with me. I don't know him. I'll look him up and see. Mr. J Plays kaun hai bhai? Koi gora shor hai? Gore shayad na entertain na kare bhai, hum unki market hi nahi hai. Mr. J Plays PUBG ID कौन है जी? मैं ज़रा इनका YouTube चेक करूँ. अच्छा नहीं, ये तो अपना लोकल बॉय है भाई. सॉरी सॉरी यार, मैं बेटा गेमिंग की दुनिया से थोड़ा दूर हूँ. मैं आ रहा हूँ, गेमिंग पे भी आ रहा हूँ. गेमिंग सेटअप रेडी हो रहा है मेरा, दिखाऊँ क्या? नहीं दिखाता, सरप्राइज दूंगा ना. ज़बरदस्त. हाँ, इसकी तो शोएब अख्तर के साथ भी है, इसकी वीडियो डकी के साथ भी है. अच्छा इंग्लैंड में होते हैं. चलो आई ट्राई माई बेस्ट बेटा. असल में द थिंग इज, पॉडकास्ट यहाँ पे करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आई डोंट हैव द इक्विपमेंट. मुझे चलाना भी नहीं आता, ये भी मैं फ़ोन पे बैठा हूँ और रिकॉर्डिंग एयरपोर्ट से हो रही है तो मुझे इतना आता नहीं है. मैं लेकिन देखता हूँ कोई ना कोई पॉसिबिलिटी निकालते हैं इंशाल्लाह. लेकिन ये कि इसके ऊपर बहुत जल्द मेरी खुद एक वीडियो आने वाली है ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन द कमिंग फ्यूचर. एक आध महीने में आ जाएगी. तो वो मैंने उसके ऊपर डिटेल में यही बात कर ली कि भाई अब वो टाइम चले गए हैं, पढ़ाई लिखाई करके 9-to-5 जॉब करो, अब तो भाई जॉब ही जॉब है. वो अभी गोगलू की मैं इंस्टा पे स्टोरी डाली, गोगलू जो मेरा दोस्त है सॉल्ट लेक सिटी में, उसने ज़िंदगी में सिर्फ गेम खेला और वो गार्डन छोड़ के पहले दुबई गया और दुबई छोड़ के सीधा सॉल्ट लेक सिटी गया. अब अमरीका में रहता है वो गेम्स के थ्रू. पता नहीं भाई कब समझेंगे लोग. उस बंदे ने ज़िंदगी में गेमिंग के अलावा कोई काम नहीं किया. गोगलू के साथ मैंने डिटेल पॉडकास्ट करनी है इंशाल्लाह. अगर मैं जैसे ही कराची पहुँचूँ, ही इज़ इन कराची राइट नाउ, तो जैसे ही मैं पहुँचूँगा तो मैं करूँगा. उससे भी होपफुली कोई ना कोई हेल्प हो जाए. लेकिन येस, आई एम नॉट सरप्राइज बेटा. ये तो हर ये एक और गेमर का एक और ई मेल आई है, वो भी मैं पढ़ता हूँ. मगर ये तो है. तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो बनाऊँगा. लेट्स होप कि कोई ना कोई रास्ता निकले. मगर सौ बातों की एक बात, जब तक आबिद भाई का लड़का नहीं करेगा ना, जब तक वो गोल्ड मेडल जीत के नहीं आएगा, या जब तक सलीमा की लड़की जो है उसको 5 लाख का इनाम नहीं मिलेगा, तब तक इनको ये लगेगा कि बेकार काम है. जब वो सब कर लेंगे बोलेंगे हाँ अब कर लो, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि तब तक सब घुस चुके होंगे. मैं शायद करता हूँ अच्छी बातें, बनाता हूँ अच्छी वीडियोज़, मैं अपने आप को इतना हाई रिगार्ड नहीं करता, मगर अ लॉट ऑफ जो ज़्यादा रीज़न फॉर माई इतनी ऑडियंस है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह फर्स्ट मूवर एडवांटेज. मैं 2012 में मैंने पहली वीडियो बनाई थी, लोगों ने तो 16 के बाद सोचना शुरू किया हाँ ये भी कुछ होता है, राइट? तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बड़ा फ़ायदा होता है. तो अगर आप अभी से घुस गए और एक पॉइंट तक आके आपने अच्छा एक ऑडियंस बेस बना लिया, फिर जब सब वही बिटकॉइन वाली बात है ना, हमारा खुद एक जानने वाला है, वो बिटकॉइन करता था, हम उसका मजाक उड़ाते थे. मैं एडमिट करता हूँ उसका, मैं और डॉक्टर सोलंगी मिल के मजाक उड़ाते थे. ये देखो कि की बातें कर रहा है, और वो हमें 2010-11 में बोल रहा था बिटकॉइन. कौन साबित हुआ? अब तो सब घुस गए, अब क्या फ़ायदा? अब मैं खरीदूंगा $57,000 का? सवाल ही मेरे पास है ही नहीं, खरीदूंगा कहाँ से? फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत ज़रूरी है. ये अभी समझ नहीं रहे हैं. जब सारे घुस जाएंगे सबके बच्चे, फिर खुद ही लाला के देंगे, खुद ही गेमिंग सेटअप बना के देंगे. बेटा ये आरजीबी लाइट्स भी लगा ले, आजकल हेक्सागन वाली चल रही, मैंने भी लगाई अपने सेटअप में, ये भी ले ले वो भी ले ले. तब तक तो सब कर चुके होंगे, फिर क्या फ़ायदा? देर हो जाएगी.
चले आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, ख्याल रखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जुनेद, होप यू डूइंग वेल। आई एम रियली सॉरी फॉर द लॉन्ग ईमेल। नहीं भाई, ये तो कोई लॉन्ग नहीं है, गिनती के 3 पैराग्राफ है, लोग तो कितनी लॉन्ग भेजते हैं। आई नो आई एम नॉट द ओनली वन फेसिंग द सेम इशू, देर आर मोर मेनी मोर आर्टिस्ट विलिंग टू गो आउट ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द फॉर द बेटर एनवायरमेंट। I've been following you for quite some time and I've been listening to your podcast and it really, really changed the way I think. May Allah bless you for that. Thank you. Actually, I'm a 3D environment artist working for videos for a few years. The reason I joined this field is because I love video games. I have video game wale bahut hain. I love video game and I always wanted to be a part of the studios like Ubisoft and Naughty Dog, Guerrilla Games. It took me many years to learn 3D art because there are no institute or university that teaches gaming art or anything that is related to game art. Most of the things about game art I learned it through YouTube, and then I took online classes from an institute in USA called CGMA. Before when I was planning to learn 3D game art, I didn't have enough money to afford online institute, which were quite expensive for me. Speaking of this, main us din yahan London metro mein tha, mujhe ek ad nazar aaya deewar pe. It was about टीचिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज थे। सो आई टुक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड आई आस्क्ड माय वाइफ कि किसी बच्चे को स्पॉन्सर कर दूँ। सो शी इज़ लाइक देख लो बहुत महंगा होता है, एंड आई लुक्ड इट अप, इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, मगर ये कि किसी की ज़िंदगी बन सकती है। पर फिर वही वाली बात है ना यार, डालूंगा इंस्टा पे तो फिर 500 मैसेजेस आ जाएंगे, हमें भी करा दें, हम भी करते हैं। फिर आगे वो उसको परसू करें ना करें, सीरियस ले ना लें, पूरी क्लासे ले ना लें, क्योंकि जब जेब से नहीं लगा होता ना तो लोग थोड़ा सा ऐसे ही करते हैं, हाँ ठीक है। या कोई खातून हो वो करना चाहें और उसको परस्यू भी करना चाहें, मगर उनकी पकड़ के करा दें शादी और शौहर बोले कि बस बहुत हो गई 3D, अब आओ बिल्ड, अब आओ सिर्फ 2D करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर ज़ाया करने वाली बात है, बट लाइक ये थॉट आती है मेरे जहन में। अच्छा, आई डिडंट हैव इनफ मनी टू अफोर्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंड नाउ आई हैव लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स and I know about the industry standards in game art and I have 5 years of experience in local studios, but they don't pay what an artist actually deserves, not even 10% of it. I'm not surprised. I have a friend in Finland, her husband is a game designer, theek hai, and he works for one of these companies, big companies Finland mein, aur wo khair abhi I cannot disclose kis game pe kaam kar raha hai, magar wo kitne hafte to khali na baal, जब प्लेयर ने भाग रहा है ना तो उसके बाल ने कैसे मूव होना है उस पर ही लगा रहता है हफ्तों। फिर पूरा शहर डिज़ाइन करना है, जैसे आप GTA में देखते हैं ना, पूरे शहर डिज़ाइन होते हैं। वो भाई, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, हमें पता ही नहीं है। हम असल में देखें, वीडियो गेम्स बुरे इसलिए समझते हैं कि एक तो ज़ाहिर है बच्चे उस पर टाइम बहुत देते हैं, दूसरा अब तो वीडियो गेम घर पर आ गए हैं, पहले तो वीडियो गेम खेलने बाहर जाना पड़ता था। बाहर होती थी टोकन वाली दुकानें जो कि लौंडेबाजों की जन्नत थी। आई एम नॉट गोइंग टू मिंस माई वर्ड्स, ठीक है ना। कौन सा ऐसा बच्चा है जो 90s में गेम खेला और उसको हाथ नहीं लगे हो? कौन सा ऐसा बच्चा है? मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, सबको हाथ लगाएं, क्योंकि एक प्रेडेटर है आदमी, वो तो उसके लिए तो जन्नत है ना कि एक जगह है वहाँ बच्चे ही बच्चे होंगे और वो क्लोज एनवायरमेंट भी होगा, कोई देखेगा भी नहीं। अब है कसम से यार, तो इन बहुत सारी वजूहात और इसको भी मिला के जो ना एक वीडियो गेम्स के बारे में एक बड़ा नेगेटिव होगा। फिर क्या आंखें ख़राब होंगी इससे, पता नहीं क्यों। मैं तो ऑक्यूलस पे खेलता हूँ अब क्रिकेट, अरे इतना एडिक्टिव गेम है भाई, अब तो मुंह पे घुस गया गेम VR पे। सो और गेमिंग आर्ट, अबे भाई जब गेम खेलने में इतने पैसे हैं तो गेम बनाने में कितने पैसे होंगे? अभी GTA का शायद मुझे बच्चे बता रहे थे, GTA 6 आने वाला है। आई फर्मली रिमेंबर GTA 5 जब आया था, पहले ही दिन या एक दो दिन में $1 बिलियन कमा चुका था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इट क्रॉस बिलियन। पता नहीं कहाँ बैठे हैं भाई, इन गेमों को बनाने में 6-7 साल लगते हैं। Halo 3 के लिए लोग लड़ रहे होते हैं कि Halo 3 कब आएगा। ऐसा ही है भाई, कमेंट्स में मैं अक्सर पढ़ रहा होता हूँ। मैं गेमिंग उस लेवल की नहीं करता, मैं थोड़ा सा पुराना आदमी हूँ, इनको पता ही नहीं है भाई, ये बस उसी पे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पढ़े लिखूंगा क्या हाल है इस मुल्क में, अबे गेमर ज़्यादा कमा रहे हैं, मिला लो CSS वाला, CSS पे कितनी पढ़ाई लगती है, राइट? CSS कितनी ख्वारी के बाद लोग बेचारे पास करते, तो एक CSS ऑफिसर कितना कमा रहा है कंपेयर कर लो। डकी भाई तो चलो माशाल्लाह, ही इज़ अ बिग ब्रांड, छोटे किसी भी छोटे से गेमर से कंपेयर करा लो,
अबे भाई पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है जी. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्टूडियो दैट इज मेकिंग अ ट्रिपल ए क्वालिटी गेम बिकॉज नोबडी इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज नोबडी हैज द इंटरेस्ट इन इट. आई डिडंट वांट टू मेंशन आवर नेबर कंट्री बट नहीं क्यों नहीं मेंशन करो करो पता होना चाहिए. बट स्टिल इंडिया हैज अ हैज एवरी सिंगल ट्रिपल ए स्टूडियो वी एफ एक्स और गेमिंग दे हैव एवरीथिंग ओवर देयर सिंस 1997. I had been planning to go out in London, Sweden, Montreal or Toronto if the studio sponsors me on the basis of my expertise, but I'm facing so many problems. Like they don't even entertain us because of our nationality and passport. Now that I have most of the expertise, I still can't go out. You are like a big brother for all of us and I'm hoping to hear from you if you have any suggestions or anything that can help me out. Beta, main kaam karta hoon. आपको ना मैं आई हैव यू कनेक्ट विद माय फ्रेंड्स हस्बैंड. वो खुद गेम डिज़ाइन करता है. मैं आपका ना बल्कि ये मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे. ठीक है तो आई हैव यू कनेक्ट विद हिम. वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है. वो इस फील्ड में भी है और बाहर ही रहता है और वो आपको बेहतर बता सकता है कहाँ जाना चाहिए. और वो आपको असेस भी कर लेगा ना कि आप किस लेवल के डिज़ाइनर हो या आर्टिस्ट हो. तो ही विल बी एबल टू गाइड यू मच मच बेटर. उसके अलावा भी जो लोग सुन रहे हैं अगर आप के पास कोई मशवरा हो भाई के लिए तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा. मगर यार लोगों को अंदाज़ा नहीं है यार, हम लोग बहुत पीछे रह गए, हर चीज़ में पीछे रह गए यार. और इन चीज़ों का ही रोना रोते रहो तो फिर लोग बोलते हैं जी आप बुराई करते हैं. इसमें बुराई नहीं है, ये तो पेट्रियोटिज्म है कि भाई मैं चाहता हूँ हमारे मुल्क के लोग भी आगे हों. तो ये बुराई करना हुआ क्या? ऐसे जाहिल लोग हैं. असल में हमारे लोग खुद चाहते हैं कि हम गटरों में ही रहें. वो कहते हैं भाई जैसा भी हमारा मुल्क है तो फिर जैसा भी यानी गटर में है तो हम गटर में खुश हैं. तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि साफ सड़क क्या होती है? ये हैं लोग और हमारी मेजॉरिटी अवाम. आप किसी भी उसमें जाएँ वो आपने अक्सर मैं ज़रा लंबी ना हो जाए बात. आपने अक्सर देखा होगा ना सड़कों पर बच्चों ने समोसे अपने खुद गिराए हुए होते हैं और फिर यूं यूं करके रो रहे होते हैं ताकि आने जाने वाले को लगे कि ओ ये गरीब बच्चा है, ये समोसे बेचने निकला, किसी की टक्कर से ये गिर गए. या तो समोसे गिरे होते हैं या वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसका रेडी उल्टी हुई होती है. कितनी बार मैंने आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिखाया और आपने कितनी बार हालात अपडेट्स पर उधर उधर देखा होगा. राइट, एवरीबडी नोज कि ये स्कैम है. उसके बावजूद वो कहते हैं ना जब तक बेवकूफ़ इस दुनिया में ज़िंदा है अकलमंद आदमी कभी भूखा नहीं मरेगा, जब तक बेवकूफ़ जिंदा है. तो ये उन्हीं बेवकूफ़ों के लिए है. हालांकि एक एक वो अजलान शाह जो कराची वाइंस में होते थे, अजलान ने खुद एक वीडियो बनाई थी कि एक चौरंगी पे एक रेडी उल्टा के खड़ा हुआ है और फिर आगे राउंड अबाउट पे गया वहाँ पे भी एक. मतलब व्हाट आर दी ऑड्स के दो ठेले हैं मिट्टी के बर्तन के दो राउंड अबाउट पे और दोनों ही गिरे हुए हैं और दोनों ही बच्चे रो रहे हैं. ये स्कैम है और ये अभी से नहीं कई सालों से हो रहा है. इसके बारे में मैंने इतनी बार आपको बताया एंड एवरीबडी नोज इट्स अ स्कैम. आज फिर एक हालात अपडेट पे पोस्ट आई हुई थी. बाय द वे फॉर नॉन कराचीट्स, हालात अपडेट्स इज़ अ लोकल ग्रुप कराची का जिसमें कहीं कोई क्राइम हो जाए, किसी की कोई चीज़ गुम जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उस पर बड़ी एक रिसोर्स ग्रुप है. इट्स अ वेरी हेल्पफुल ग्रुप, बहुत अच्छा ग्रुप है. तो आज किसी ने डाली हुई थी टीपू सुल्तान रोड की या पता नहीं कहाँ की, वो बच्चा इसी तरह समोसा उल्टा के रो रहा है. तो उसमें लिखा हुआ था स्कैम और रियल. तो नीचे कमेंट भरे हुए थे कि ठीक है स्कैम भी सही लेकिन गरीब की मदद तो हो रही है. अबे मतलब गरीब को आपने मदद इसलिए करनी कि वो धोखा दे रहा है तभी मदद करनी है आपने? मतलब हमारे सबसे बड़ा मसला जो है ना लोगों का सही और गलत और हराम और हलाल की ना डेफिनेशन मिट गई है. लोग कहते हैं बस ठीक है किसी की मदद ही तो हो रही है. अरे वो आपको चूना लगा रहा है, वो झूठ बोल रहा है. कोई इससे अच्छा आप किसी जेन्युइन बंदे की हेल्प करो. लेकिन नहीं, चूँकि भाई वो गरीब है तो वो स्कैम भी करे कुछ भी करे, चूँकि वो गरीब है तो हमें उसको दे देना चाहिए. क्यों दे देना चाहिए? क्या हराम का पैसा क्या आपका? तो ये वाली बात ना लोगों में ना तमीज़ ख़त्म हो गई है सही गलत की. खैर तो ठीक है बेटा, आई हैव यू कनेक्ट विद हिम एंड फिर देखते हैं ये बात कहाँ से कहाँ जाती है. ठीक है, चल अपना ख्याल रखिए. हाँ जी, नेक्स्ट वन सेज क्रीपी पाकिस्तानी क्रीपिंग इन टू डी एम्स. आई जुनेद भाई, आई एम ABC लिविंग एंड वर्किंग इन अ फॉरन कंट्री फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. I never thought I would ask this question to you, but I had to because it might reach to some people. So I work with foreigner and have foreign friends here, and time to time I post pictures on Instagram and Facebook, both with girls and guys. So
For the past 2 years, the kind of embarrassment I'm facing is that a lot of my friends, they would see those pictures on either Instagram or Facebook, and they would slide into my female friend's DM saying cheesy lines, you look too good, where are you from, and etc. Then those my friends would check their profiles and see me as a mutual friend, and they ask me, who is this guy? Do you know him? Sometimes it happens to be in private, or sometimes it in front of other people. I know they are asking casually, but I kind of feel embarrassed. And these are padhe likhe Pakistani friends, and this happened to me like dozens of times. And I did talk to them and they stopped, but every time there is someone. So I was wondering, I should block such people, but at the same time, I also think they are my friends at the end of the day. So I thought I would reach out to you and get a different perspective. Beta, agar wo aapke dost hote na, to sabse pehle aapki apne से बेहतर आपकी इज्जत का ख्याल रखते, मगर उन्होंने आपको रखा इस पे और इसके सोचा और अब घुस गए उनके डीएम्स में। मैं आई एम नॉट गोइंग टू मिंस माय वर्ड्स, ये चले ठीक है, आप यू आर एन ऑर्डिनरी पर्सन, डजंट मीन मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, बट आई एम अ पब्लिक फिगर, ठीक है। अब मेरे पास हज़ारों रिक्वेस्ट आती हैं, पहले मैं इन गुड फेथ लोगों को ऐड कर लिया करता था, बोथ मैन एंड वुमेन, कि ठीक है, आई मीन आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट पीपल, और लोग एवरी वन हैज़ देयर ओन स्टोरी और पर्सपेक्टिव होता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है लोगों से मिलने की, कि मैं कुछ सीख लूँ, कोई नई चीज़ सीखूँ, राइट। बट आफ्टर सम टाइम मैंने फिर यही चीज़ नोटिस करने लगा कि मेरी हर फीमेल फ्रेंड को रिक्वेस्ट गई हुई है। फिर मैंने लोगों को फिल्टर, पहले तो मैंने समझाना शुरू किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मैंने लोगों को डिलीट करना शुरू किया, और अब ये वक्त है कि मैं नहीं ऐड करता लोगों को। बहुत शाज़ो नादिर इंडस्ट्री के लोग हों, या फिर मुचुल्स भी, अगर 90-100 मुचुल्स हों तभी जाके, और वो भी कौन से मुचुल्स हैं, जैसे नदीम फारूक पराचा पूरी दुनिया के मुचुल में नज़र आते हैं, इसी तरह मेरे एक और एक आध दोस्त और हैं, नाम नहीं लूँगा, तो उनको तो मैं म्यूचुअल काउंट ही नहीं करता। उसके अलावा कि किस तरह के लोग म्यूचुअल हैं, तो इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि यार इनको ऐड किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि अगर इन्होंने किया हुआ है तो इन सब ने मिलके किया हुआ है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त राइटर्स भी हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, तो यू नो मैं फिर उसी तरह देख कर आता हूँ। तो ये हमेशा रहा है, अरे मेरी बीवी को लाइनें मारते हैं लोग, मतलब मारी हैं, आई मीन हैं तो गुड लुकिंग, तो मारेंगे तो सही। खैर, आई एम नॉट कंडोनिंग द आइडिया, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे भी हुआ है, उनको ऐड करने की कोशिश की गई है, ये किया गया हो, फिर मैंने आई पुट अ स्टॉप टू इट। तो अब ये इन माय केस ये मेरे दोस्त नहीं थे, ये वो लोग थे जो कि मुझे वीडियोस के थ्रू जाना, या मेरा कमेंट किसी पेज पे देखा, या किसी दोस्त की प्रोफाइल पे देखा, तो सोचा चूंकि ये इसका दोस्त है तो मेरा क्यों नहीं है, और मैंने गुड फेथ में ऐड कर लिया, मगर वो मेरे दोस्त नहीं थे, राइट। इन योर केस ये आपके दोस्त हैं, मगर उसके बावजूद इनको आपकी इज्जत से ज़्यादा अपनी फिक्र है, और ये स्लाइडिंग इनटू डीएम्स तो ये होती ही होती है। इनफैक्ट मेरे जो काफ़ी राइटर फ्रेंड्स हैं उनके भी 2000 दोस्त हैं सबके ऑन एवरेज, तो वो भी आए दिन खासतौर पर खवातीन यही लिख रही होती हैं कि अगर मेरी किसी दोस्त को रिक्वेस्ट गई और म्यूचुअल में मैं दिखी, तो मुझे ज़रूर भेजना स्क्रीनशॉट, लड़कियों को बोला, ताकि मैं उनको डिलीट करूँ यहाँ से, क्योंकि ये सिर्फ फिशिंग करने बैठे हैं कि अच्छा इसके पास 2-3 हज़ार लोग ऐड हैं, तो हर किस्म के लोग आते होंगे, तो चलो हम बैठ के यहाँ फिशिंग करते हैं। यही वजह है अ लॉट ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स हैव स्टॉप्ड कॉमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़ पेज पर जाके, प्रोफाइल पर कर लेती हैं, फिर भी पेज पर उन्होंने करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि फेसबुक पे जितनी जाहिल अवाम बैठी है, हालांकि मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मगर जो फैक्ट है वो है, आपने कभी सोचा नहीं कि ये जो मैं आस गंजी स्वैग बनाती हूँ खाली यूट्यूब पे क्यों होती है, अगर ये फेसबुक पे जाती भी है तो भी कुछ लुक में या कुछ कट्स होते हैं वही जाते हैं, जो कि ज़्यादा ऑफेंसिव ना हो, क्योंकि यहाँ तो हर किस्म की बात फिर भी हो जाती है, निकल जाती है, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी वजह ही, हालांकि मेरा तो फ़ायदा है ना, अगर एक ही जगह दो चैनल पे जाए तो मैं पैसे कमा सकता हूँ ना उससे, मगर मुझे ऐसे पैसे चाहिए ही नहीं भाई, जो कि जो है ना पेन के साथ हैं भाई, मुझे पेन नहीं चाहिए ज़िंदगी में। एक ज़िंदगी पे एक स्टेज आती है कि वहाँ पे ना आप फिर फैसला करने लगते हो, यार मेरे लिए किस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पीस ऑफ माइंड की या पैसे की। तो मैं ना अब पीस ऑफ माइंड वाला फेस पे चला गया हूँ, ठीक है पैसों की ज़रूरत तो हमेशा रहती है और क्यों ना हो, वन शुड ग्रो, मगर यार नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई मेंटल हेल्थ, मतलब मैं ऐसे पैसे का क्या करूँगा, मैं यहाँ से फक हुआ पढ़ूंगा, समझ रहे हैं आप। सो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स हैव
कम्प्लीटली स्टॉप्ड कमेंटिंग. और इंस्टाग्राम पे भी वो मेरी एक दोस्त है, शी इज़ अ वंडरफुल फोटोग्राफर, शी इज डच, ठीक है. उन्होंने एक बार कमेंट कर दिया तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड. आपको तो नहीं पता ना मेरा कौन दोस्त है और कौन नहीं है, मगर एक डच औरत का मेरे प्रोफाइल में होने के क्या ऑड्स हैं, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ. तो क्लियरली, और अगर मैंने रिप्लाई भी किया हुआ, मतलब अगर 120 कमेंट में से मैंने से उसको रिप्लाई किया हुआ, दैट मीन्स आई नो दैट पर्सन. ठीक है यार, वहाँ आके उसको गालम गलोच क्या इंप्रेशन पड़े, आके उसके साथ गालम गलोच के साथ बहस करें, फिर आई हैड टू ब्लॉक दोज पीपल. इसी तरह वो जो एक कॉमेडियन मुझे मिला था, गॉडफ्री. अब गॉडफ्री का मैं फ़ैन हूँ यार पिछले 12-13-14 साल से, ठीक है. मेरी लाइक इट वॉज़ अ ड्रीम कम ट्रू टू सी हिम लाइव कॉमेडी सेलर पे जब मैं न्यूयॉर्क में था. गॉडफ्री के साथ मैंने तस्वीर खिंचाई और मैंने गलती कर दी, मैंने गॉडफ्री को टैग कर दिया, ठीक है. असल में ना हमारे लोगों को भी ये भी शौक है कि देखो मैं कितना फ़नी हूँ. फ़नी हो तो अपना पेज बनाओ, कॉमेडी करो ना यार, वो मेरे कमेंट सेक्शन पे आके कॉमेडी करनी है क्या. तो अब सब आके वहाँ निगा निगा लिख रहे हैं. अब गॉडफ्री को उर्दू तो नहीं आती, एनवर्ड तो पता है ना उसको, उस क्या इंप्रेशन गया होगा कि यार मुझे, मैं रात को पता नहीं कोई पाकिस्तानी मिला, उसके तो इतने जाहिल फॉलोअर थे. ठीक है, होगा ब्लू टिक होगा, ठीक है 3 लाख फॉलोअर होंगे, लेकिन फॉलोअर तो सारे जाहिल हैं. ठीक है, क्या इंप्रेशन गया पाकिस्तान का. और उसको मैंने बताया खास, व्हेन आई मेट हिम आई टोल्ड हिम आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी कि ही इज़ अ बिग फैन ऑफ राहत फ़तेह अली एंड नुसरत फ़तेह अली, एंड देन ही सेड कवाली इज डोप. कैप्शन भी यही है मेरा, आप देख लें इंस्टा पे. तो नीचे आके निगा निगा लिख रहे हैं, क्या इंप्रेशन गया उसका, उसके सामने क्या इंप्रेशन गया पाकिस्तानी का. नहीं ना, इज्जत के ख्याल नहीं है अपनी कॉमेडी कर लें पहले. बस ये है हमारे लोगों का, हम कॉमेडी कर लें, देखें हम कितने फ़नी हैं. अजीब लोग हैं यार, जहाल से भरे हुए, तो तमीज़ ही नहीं है. इसी तरह इंस्टा पे भी यही होता है, कोई मेरी दोस्त कमेंट करे उसके साथ या तो नीचे लड़ने लग जाएंगे या उसके DM में घुसेंगे. इतने तरसे हुए लोग हैं यार. और ये जो आप, चूंकि आपने लिखा ना वो फॉरेन फ्रेंड्स हैं, तो उसमें यही होगा कि वो फिल्में देखी हुई इन्होंने ज़्यादा अजीब किस्म की, तो उनको ये लगता होगा हम DM में जाएंगे तो वो तो कपड़े उतार के बैठी होगी, हमारा वेट कर रही होगी. ये भी सोच है हमारे लोगों की, ये आराम से फंस जाएगी. अब जैसे भी मैं न्यूयॉर्क में था, सो फहद हैड मी मीट अ लॉट ऑफ हिज गोरी फ्रेंड्स. ऑब्वियसली फिर दे गॉट टू नो अबाउट मी एंड देयर लाइक, ओ यू नो आई एम एन आर्ट कलेक्टर और ये वो. मैंने उनके साथ इंस्टा स्टोरी बनाई, उनका हैंडल मेंशन था. अब उसमें ठीक है 3-4 हज़ार फॉलोअर पहुँच गए उनको, मगर अब वो आपका आर्ट कलेक्शन से क्या ताल्लुक़ है. बस पहुंच गए कि गोरी टांगे दिख रही हैं तो सीन ऑन है, पहुंचो. पहुंच गए लौंडे, ना पता आर्ट क्या है, ना आर्ट कलेक्शन क्या है, कुछ नहीं पता, बस पहुंच गए. गोरी जबड़ी है, टांगे दिख रही हैं, राने मोटी हैं, पहुंचो पहुंचो भाई, बड़ा गोश्त है. पहुंच गए सारे लौंडे. आई डोंट नो, अभी तक तो वो शायद शुरू में तो ज़ाहिर है शी वॉज एक्साइटेड कि ओ इतने सारे फॉलोअर्स आ गए, बट आहिस्ते आहिस्ते जब DM में औकात दिखा रहे होंगे सारे, तो वो तो फिर ये बोलेगी ना यार क्या होगा है मेरे पास, तो ऐसे यूजलेस लोगों से तो बेहतर थी मेरा अकाउंट डेड था, वही बेहतर था. सो यार क्या करें यार, तरसे हुए लोग हैं यार, क्या कर सकते. लेकिन इनको तो आप फौरन डिलीट करें भाई, ये फिर आपके नहीं है, ये आपके दोस्त नहीं है, ये मौके के दोस्त हैं, मौका मिले तो चौका लगाएं. तो ऐसे लोगों से तो मैं भी सबसे पहले जान छुड़ाता हूँ. तो भाई जान छोड़ा ऐसे दोस्तों से, ये आपके दोस्त नहीं है, बस इतना ही कहना था. थैंक यू. हाँ जी, नेक्स्ट वन से अस्सलाम वालेकुम. आई एम 25-year-old MBBS डॉक्टर फ्रॉम साहिवाल पंजाब. आई एम अ रियली गुड फुटबॉल प्लेयर सिंस माई चाइल्डहुड एंड ड्यूरिंग द स्कूल माई स्कूल डेज. आई वंस वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम द रीजन टू प्ले इन लाहौर. द टीम ऑफ पंजाब रीजन वॉज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम देयर एंड देन नेशनल एंड इंटरनेशनल सेम स्कूल मैचेस were to be played, but despite my best performance in the trials, I was never selected because Lahori Burgers had more talent, I guess. After 2 similar incidents in my school life, you can only know what it must have been felt. Since then, I play regular football passionately just as a hobby, and during my graduation years in MBBS from Lahore, I had played with club guys and university teams and been selected in the team in all 5 years of MBBS. I'm just heart-wrenched to hear that FIFA has banned us. We have so much talent here but no opportunities. It's a pathetic and sad situation here. If I, along with many other such guys, would have been provided with a chance, who knows, we would have been playing in international European clubs instead of what we are now. I'm not saying that as a doctor I'm tired of my field, but a man has many talents. I'm a sports guy and I've always been and I'm just sad at the situation with this godforsaken country. Thank you for your time.
and hope things might change in the near future. Thank you so much for your email. This is इस तरह की हार्ट रेंचिंग स्टोरीज मैंने बहुत सुनी हैं कि एक तो ये कि टैलेंट ओवर मतलब कनेक्शंस ओवर टैलेंट, कनेक्शंस हैं तो आगे पहुंच गए, टैलेंट है तो नहीं है. मेरे अपने मामू वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन हिज हेडेज. उन्होंने इमरान खान को पहली बॉल पे छक्का मारा था कजाफी स्टेडियम में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पे, एंड ही वाज एन एविड क्रिकेटर, राइट. फर्स्ट क्लास तक तो उन्होंने खेली है बैक इन अर्ली 70s की मैं बात बता रहा हूँ. सो व्हेन इमरान खान वाज इन अंडर 19 ही वाज आल्सो इन अंडर 19 क्लब्स की साइड से मैं बात कर रहा हूँ. तो बट वही हुआ, इवन दो ही वाज अ पंजाबी बट बिकॉज ही वाज फ्रॉम कराची ही वाज नॉट सेलेक्टेड. अब लोग बोलेंगे जी ये कराची पंजाब चीज़ आप खेल रहे हो, हालांकि आई डोंट हैव टू. जो फैक्ट है वो है आई एम अ पंजाबी माई सेल्फ, बट देर इज बिन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वेर कराची पीपल वर नॉट. मतलब सोचे 3 करोड़ का शहर है, गिनती के 2 क्रिकेटर निकलते हैं, मतलब ये ऐसा पॉसिबल है? नाजामाबाद के ग्राउंड में जो एक से एक क्रिकेटर बैठा है वहाँ पे. बस वही पॉलिटिक्स यार, हर चीज़ में हम पॉलिटिक्स डालेंगे तो भाई यही होगा. हमारी बात बात पे पॉलिटिक्स है, हमारे ईद त्यौहार में पॉलिटिक्स है. मतलब आप ईद पे मिलते हैं तो क्या बात होती है? इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ. हमारी ईद बोरिंग होती है, मैं बकरीद की बात नहीं कर रहा, मीठी जो ईद उल फितर होती है बोरिंग होती है, सोग लग रहा होता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन जो फैक्ट है वो है. सबके मुंह सड़े हुए होते हैं, तैयार होकर बैठे यूं करके सोफे पर, और जब मिलते हैं तो फिर क्या होता है जी? पॉलिटिक्स, हर चीज़ में पॉलिटिक्स यूज रही है. सो इट्स वेरी सैड. मैं कल और परसों 2 दिन आई वॉज इन डिफरेंट पार्क्स, और वहाँ पे इत्तेफाक से दोनों जगह क्रिकेट चल रही थी और दोनों जगह मुझे पाकिस्तानी बॉयज़ मिले जो कि यहाँ के लोकल क्लब्स के लिए खेलते हैं, और दोनों की वही कहानी थी. पाकिस्तान में खेलते थे मगर कहीं पहुँच नहीं सके तो पढ़ाई लिखाई करके यहाँ गए, अब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वीकेंड्स पे प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं. तो वो यही कह रहे थे कल, जो मुझे एक साहब मिले, फराज नाम था शायद उनका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रीजेंट्स पार्क पे मिले थे. सो ही सेड द सेम थिंग कि बस यहाँ पे आके हम शौक पूरा करते हैं, जो शौक हम नहीं पूरे कर सके पाकिस्तान में. इट इज़ वेरी सैड भाई, अब क्या कर सकते हैं? अब आप डॉक्टर तो हैं, बाहर आ जाएं यहाँ फुटबॉल खेलने. मगर इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं. जैसे मैंने आपको कपल ऑफ एपिसोड बिफोर बताया था, वो जो एक फ़ुटबॉल वाला एक बच्चा था मेरा फ्रेंड, जो कि कवर करने गया था जिस टीम को, लियारी की टीम को इन कतार, उन्होंने यार टर्की के इतने बड़े क्लब को हरा दिया था. कुत्ते की एक होता है हराना, एक होता है कुत्ते की तरह हराना. लियारी के बॉयज थे, क्या ट्रेनिंग है, दूध तक तो उनको मिलता नहीं पूरा, बेचारे मिट्टी पे फुटबॉल खेलते हैं. और वो टर्की के इतने बड़े बड़े क्लब्स में उनकी ऐसी घास होती है, आप गिर भी जाओ आपको चोट नहीं लगती. और उन बच्चों ने ऐसा उनको गोल मारे, ऐसे गोल मारे आप सोच नहीं सकते. बस क्या जी, पॉलिटिक्स है. ऊपर जो बाबा बैठा उसने कभी फुटबॉल ही नहीं खेली, वो बता रहा है कि फुटबॉल किसने खेलनी. अबे यार पॉलिटिक्स है यार, हर जगह क्या बंदा किसको बोले. छोड़ यार, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा. खैर, सैड टू हेयर बट दिस इज़ अ रियलिटी भाई, अब क्या करें. आई होप इट गेट्स बेटर इन द नियर फ्यूचर. ओ, फीडबैक ईमेल आई है. अवर्ड ऑफ थैंक्स, जुनेद सर, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू यू टू थैंक यू फॉर रीडिंग माई ईमेल, द वन अबाउट एनिमेटर. द वर्ड दैट यू सेड रियली फील्ड मी विद अ बर्निंग फ्लेम ऑफ पैशन. योर वर्ड्स फेड लाइक हनी टू माई ईयर्स. दैट वॉज ऑलवेज द थिंग आई वॉन्ट टू हेयर, एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन आफ्टर माई मदर हु सेड दैट एवरीवन एल्स जस्ट गेव मी अ वियर्ड लुक व्हेन आई टेल देम दैट आई वॉन्ट that I want to become an animator. They look at me like they are above me or something. I really hate that look. And at last, I want to thank you again for encouraging me. Thank you so much, beta. I hope it helped and it clearly did. आपने email लिखी है तो मैं यही मकसद है भाई इस शो का. किसी को अगर हिम्मत ही मिल जाए, मैं और कुछ तो दे नहीं सकता भाई, अगर हिम्मत ही मिल जाए किसी को और उसकी लाइफ फॉरएवर, सही गलत मैं नहीं कहूँगा, फॉरएवर एक ऐसी डायरेक्शन में चला जाए जहाँ वो इंसान खुश हो, मोटिवेटेड हो, तो और इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है. सो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टू रीड दैट, थैंक यू. हाँ जी, नेक्स्ट वन इज सक्सेस स्टोरी, व्हाई एंड हाउ आई स्टॉप्ड स्मोकिंग. अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, होप ऑल इज वेल एट योर एंड. आई डेस्परेटली वेट फॉर न्यू एपिसोड्स ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड नॉर्मली लिसन व्हाइल ड्राइविंग बैक होम फ्रॉम वर्क. Thank you for the platform that you have provided to the community. I'm pretty sure your responses have touched a lot of lives, including mine. I thought I should use your platform to share my success story of quitting smoking, and maybe this will help folks who are trying to do the same. So here it goes. My friends used to smoke in the university. Looking at them becoming cool just by smoking after every fuck up moved me
to try it as well. I thought, let's just puff this shit and avoid inhaling, as it was a 3 rupee cigarette during that time. I should be cool as well. One day, accidentally, I inhaled the smoke and it led me to a cough a lot. But the kick I got a few seconds later indulged me to make this my permanent habit for the next 8 years. It was easy to hide it from my parents and relatives since I was a hostelite, and after university, I have always stayed in a separate city for work. Then came my time for my marriage. Like an engaged Sharif Londa, I was excited to make love for the first time. Hey, engaged pe? Achha, engagement, love meeting. Achha, achha, theek hai. To make love for the first time and wanted to prepare myself to have the best time between my wife and I. Achha, theek hai. I scanned the internet during weekends and found that smoking affects love time and ability to become a father. I weighed in my options and obviously decided to call it quits. With a couple of months remaining until my marriage, I quit cold turkey, and then came a plethora of issues. Headache, lack of sleep, lack of concentration, depression after my incident. After any incident that would trigger smoking in the past, yeah. But the issue that hit me the most was constipation. Man, I couldn't take a dump for days, literally. I use psyllium husk, ispagol, acha, and that relieved me. After just 2 weeks, I started feeling better and I noticed improvements in breathing while going up and down the flight of stairs. And most of all, Lallu got stiffer. Lallu tight ho gaya inka. I was ready to have sex, okay. Got married, had a wonderful first few months, best time of my life, and after some time, we decided to have a child. Somewhere along the way, I forgot all the efforts it took to go cold turkey and I relapsed. I started smoking at work. My mind thinking, tension bahut hai, BC sota chahiye. My wife never knew, as I had already perfected the art of concealing during the past 8 years. Result, my wife was not able to conceive for months. I got further depressed, thinking that it's me, which led to more smoking, a chain reaction. But then after 6 months of frustration and misfires in bed, thank you cigarette, finally my wife conceived and our excitement level hit a new high. Smoking continued and I was the happiest man in the world. But just after 4 months, an ultrasound report showed that the fetus had developed a cyst and it would be dangerous for the baby and the mother to continue the decision. The decision was to abort. Oh God. I knew it was me since I had read that smoking also causes abnormality during pregnancy. That was the time I said, fuck it. I did it before and I will do it again. This time it was harder. I couldn't work, couldn't sleep, and most importantly, couldn't take a dump. After a week of no shit, I put every bit of force in my gut and ultimately got hemorrhoids. Now I couldn't sit as well. Another gift of a relapse. The incident that happened to me got me going and I didn't lose hope. After a month, I was a new man. Now I have 2 wonderful daughters, a successful career, and most of all, a great love life. The purpose of sharing all of this is to let your audience find a turning point in their lives and use that positive energy in driving them to quit smoking. If they think of relapsing, they just need to wire their heads in thinking of the ramifications of quitting again. To this day, I get the desire after every trigger, but I feel good a few minutes later that I was successful in quitting. Lastly, Junaid bhai, I heard your announcement of quitting and this really made me happy. I hope you can continue the same, as I'm sure many look up to you as a role model. Thank you for reading. So, ye email unhone kab ki? Achha, to parson hi aayi. Oh, so basically, ek success story thi sahab ki, jinhone cigarette chhod di. Foreign chhod di thi. Zahir hai, shaadi hone wali thi, to unko zara se khadshat the. फिर उन्होंने इंटरनेट पे पढ़ा, फिर उन्होंने छोड़ दी, फिर उसके बाद रिलैप्स हुआ, दोबारा शुरू की, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हुई, फिर दोबारा छोड़ी. सो या, गुड गुड मैन, गुड टू हेयर दैट. इफ़ आई टेल यू अबाउट मी, यार 20 साल मैंने 20 साल सिगरेट पी, नॉट प्राउड ऑफ इट फॉर द मोस्ट पार्ट. अच्छा, रमज़ानों में ना मैं ज़ाहिर फजर से लेके सहरी से लेके इफ्तार तक तो आप कुछ भी नहीं खाते पीते. तो कई बार ऐसा होता था जब हम पुराने घर में थे, वो तो घर छोटा था, उसमें सिगरेट पीने नीचे जाना पड़ता था, राइट, 3 फ्लोर नीचे, जो घर छोटा था, घर वालों को पता तो था. तो कभी कभी ना हिम्मत नहीं होती थी यार, कौन जाए, और फिर ऐसे ऐसे करते करते रात के 11 बज जाते थे. तो मैं यही सोचता था कि यार मैं अगर इतने घंटे रह सकता हूँ तो शायद मैं सिगरेट, मेरी शायद इतनी नीड है नहीं. ये एक
सोशल कंस्ट्रक्ट बन गया मेरा बेसिकली, कि सोशल प्रेशर में या सोशल इवेंट्स में मैं पी लेता हूँ, जहाँ दोस्त साथ हो तो पी ली, या कुछ हैवी कढ़ाई वढ़ाई खा ली तो उसके बाद एक पीनी है माउंटेन ड्यू के साथ या पेप्सी के, यू नो, या फिर कहीं वॉक कर रहे हैं तो तुलसी या शाही सुपारी के साथ एक सिगरेट मस्ट है, यू नो. तो मेरे ना ये वाले बॉक्स हुई हुई थी चीज़ें, या कुछ दोस्त आ गए हैं ऑफिस में, इन्हें इस तरह का था मेरा. तो मैंने, मुझे ना ये ख्याल अक्सर आता था कि शायद मैं उतना एडिक्ट नहीं हूँ, मैं पी लेता हूँ मगर शायद उतनी एडिक्शन नहीं है. खैर, मुझसे कोई भी चीज़ सिगरेट नहीं छुड़वा सकी, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड छुड़वा सकी, ना मेरी बीवी छुड़वा सकी, ना मेरी माँ ने खैर कभी बोला नहीं. माँ ने बस यही इस तरह बोलती थी कि कम कर लो, तो मैं आगे से कहता था पैकेट से कम ही तो कर रहा हूँ. लेम जोक. तो जाहिर है उनके फादर पीते थे, वो खैर उनकी पूरी उम्र हुई थी, मतलब कोई यंग डेथ नहीं थी उनकी, पूरा जी लिए थे वो, अल्लाह जन्नत नसीब करे. मगर ये कि उन्होंने आगे पीछे देखा था ना लोगों को खांसते हुए सिगरेट से, और ये वो तो वो इस तरह कहती थी. बट वो भी कन्विंसिंग बात मुझे लगती नहीं थी, तो मैंने भी कभी छोड़ी नहीं. बट व्हेन आई हैड माय सन, उसके बाद मुझे गिल्ट होने लगा. जब मैं लास्ट ईयर इधर आया था पहली बार, व्हेन माय सन वाज बॉर्न, उस वक्त सख्त सर्दियाँ थी, मार्च था लेकिन बहुत सर्दी थी, ठीक है. और मैंने कराची से ये रूल बना के निकला था कि मैं इस घर में जहाँ बीवी बच्चे हैं वहाँ घर के अंदर सिगरेट नहीं पीऊँगा, सो दैट विल हेल्प मी कट डाउन. क्योंकि कराची में तो कोई रूल्स ही नहीं है ना, मेरा अपना कमरा है, किसी ने आना जाना है ही नहीं, ऑफिस में मैं खुद हूँ, किसी ने कोई रोकना नहीं है, सो कोई रूल्स ही नहीं है ना वहाँ. यहाँ मैंने सोचा था क्योंकि इट वुड बी अ बैड एग्जांपल टू द एल्डर वंस, और घर का माहौल मैंने ऐसे नहीं करना कि जी धुआं धुआं हो रहा है. तो मैं क्या करता था, बाहर खड़े होकर सिगरेट पीता था. अब मार्च में इतनी सर्दी थी यहाँ पे, इतनी सर्दी थी कि मैं सिगरेट ख़त्म नहीं कर पाता था, जितना भी कुछ पहन लूँ. हायर हार्ट स्टिफ हो रहे हैं, पी ही नहीं जा रही. तो खैर, वो मैंने पी. अच्छा, लाया था मैं अपने साथ दो केसेस लाया था सिगरेट के, अज्यूमिंग कि मुझे मैक्स टू मैक्स महीना ठहरना पड़ेगा, तो एक दिन का एक पैक तो मेरा होता है, यूजली कराची में होता था. तो यहाँ तो चूंकि अब स्पेशली बाहर जाना पड़ता है तो वही कट डाउन हो गया, तो एक पैकेट दो दिन चलने लग गया, कुछ तीन दिन भी गया. खैर, आया मैं महीने के लिए था, बट चूंकि लॉकडाउन हो गया था, कोविड नया नया था, तो मुझे 6 महीने रहना पड़ा. तो खींच खींच के मैंने 4 महीने चलाए वो दो केसेस ना, एक केस में 20 पैकेट्स होते हैं, तो 40 केस मैंने 4 महीने खींच लिए समहाउ, ठीक है. उसके बाद हो गई ख़त्म सिगरेट, सिगरेट ख़त्म हो गई, और वो वाली यहाँ मिलती नहीं. मैंने बहुत ढूंढी, आपको याद होगा इंस्टा पे मैं ढूंढ रहा होता था, कोई कह रहा है यहाँ से, कोई कह रहा है वहाँ से, बहुत जगह गया, एल्फर्ड गया, कहाँ कहाँ गया, बंगाली शॉप्स पे गया कि उनके पास होती है, नहीं मिली. फिर मुझे मजबूरन यहाँ की पीने पड़ी, बेंसन एंड हेजेस, आई डोंट लाइक इट, इट वाज टू हार्ड. तो और 10 पाउंड का एक पैक, 10 पाउंड का, ठीक है. जो मैं पूरा केस लाया था वो 12 पाउंड का था, कराची में 12 पाउंड की जितने होते हैं 2500 रुपये, 2500 का पूरा केस मिलता था, यहाँ एक पैक मुझे 10 पाउंड का मिल रहा था. एंड इट वाज शिट, इट वाज रियली बैड. तो बिकॉज इट वाज रियली बैड, तो वो मेरा पैकेट 4-4 दिन चलने लगा, क्योंकि मैं सिर्फ मजबूर में और ठरक में पीता था कि यार बस वो एक ओरल फिक्सेशन की आदत बनी हुई है. तो वो मेरी एक 2 महीने जो मैं एक्स्ट्रा रहा उस सिगरेट पे जब मैं पला, तो वो मेरी एक प्रैक्टिस हो गई कि यार आई कैन कट डाउन, ठीक है. फिर जाहिर है द बेबी वॉज ग्रोइंग, फिर मुझे ना ये भी होने लगा कि यार मैं जितनी सिगरेट पी रहा हूँ ना, मैं उससे अपना टाइम छीन रहा हूँ. वैसे ही मैं उसके साथ रहता नहीं हूँ, ठीक है, वैसे ही मैं दूर रहता हूँ, महीनों में आता हूँ कुछ हफ्तों के लिए, ठीक है. तो मैं वैसे ही उसके चाइल्डहुड से बहुत सारे मोमेंट्स खींच रहा हूँ, ऊपर से मैं अगर सिगरेट भी पीऊँ तो मैं और खींच लूँ, तो फिर बचेगा क्या. बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि जो एक प्रॉपर न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए. बच्चे जब बड़े हो जाएं देन दे कैन डील विद इमोशंस, मगर एक छोटे के लिए ना उसको पूरा हाउस होल्ड ज़रूरी होता है. यू नो, यू कैन प्ले गुड कॉप बैड कॉप बिटवीन मदर एंड फादर, और एक फादर फिगर बच्चों को चाहिए होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है. तो वो जो गिल्ट था ना, वो फिर मुझे बहुत ज़्यादा होने लगा एज ही ग्रू ओल्डर एंड ओल्डर. बोलने लगा, बोलना से मुराद के कू करने लगा, पहचानने लगा. अब मैं ये ज़्यादा रो, जब मैं यहाँ नहीं होता, जब ये ज़्यादा रोता है तो बेगम मेरी वीडियो खोल के दे देती है, तो वो चुप हो जाता है. जब मैं वीडियो कॉल करता हूँ, ही ट्राइज टू फील माई बियर्ड बिकॉज ही लाइक्स प्लेइंग विद इट बिकॉज इट्स अनयूजुअल, क्योंकि घर में किसी और की है नहीं. तो फिर जब ये चीज़ें होने लगी ना, तो मुझे
ज़्यादा एहसास मेरा बढ़ने लगा कि यार मैं इससे वक्त खींच रहा हूँ, तो मुझे गिल्ट हो रहा था। एक दिन वन फाइन इवनिंग मैं मोहम्मद अली के साथ, द ग्रेट लैट के साथ, मुबीन के कैफे बैठा हुआ था, एंड आई वाज लाइक यार ये मेरी लास्ट सिगरेट है, बस आई एम नॉट गोना स्मोक अगेन। और मैंने वो फेंक दी, पीने के बाद फेंक दी। आई ट्राइड वेप फॉर अ वीक, मेरा दो बार गला ख़राब हुआ, मैंने वो भी छोड़ दिया। तो शुरू के दो महीने तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने ये छोड़ी है मार्च में, रमज़ानों में छोड़ दी थी मैंने, राइट? रमज़ान कब थे? नहीं, रमज़ान अप्रैल मई में थे आई थिंक। हाँ, मई में ईद थी ना, 31st में ईद थी शायद, लाइक समवेयर अराउंड मार्च अप्रैल, मुझे ये याद है। रमज़ान में मैं नहीं पी रहा था, राइट? तो मैंने वो छोड़ दी। तो फर्स्ट टू मंथ्स मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ना मुझे बहुत फील होने लगा, बहुत ट्रिगर होने लगा, ख़ास तौर पे यहाँ पे ना, इन माय चेस्ट आई वुड फील दिस हॉलोनेस दैट नीड्स टू बी रिलीव्ड। और मुझे पता था सिगरेट पीऊँगा वो सही हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का मुझे बहुत इशू रहा, जैसे आपको भी रहा, ऑब्वियसली सिगरेट यू नो हेल्प्स विद द बिजनेस, तो वो भी गया, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगा। आई वुड स्पेंड फार मोर टाइम इन ऑन द पॉट, यू नो, TMI। खैर, उसके बाद अभी जब मैं मिडिल चाइल्ड के साथ बाहर था, एंड आई सॉ दिस गर्ल स्मोकिंग, मैंने उसको यही बोला कि यू नो व्हेन आई सी पीपल स्मोक आई रियली फील लाइक कि यू नो आई टेक अ पफ। लेकिन फिर वही वाली बात है ना, ऑल इट टेक्स इज़ वन पफ। वो पहला कत्ल मुश्किल होता है ना, एक बार अगर लगा ली ना, फिर वो आई रिलैप्स, फिर मैं दोबारा चला जाऊँगा। आई डोंट वांट टू गो देयर, आई जस्ट डोंट वांट टू गो देयर। इट्स अ शिट थिंग। मैं हमेशा ही सोचता था, क्योंकि आई वुड वेक अप एंड द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग आई वुड लाइट अप अ सिगरेट, और रात को सोने से पहले भी मेरी आखिरी चीज़ सिगरेट होती थी। तो मैं ना हमेशा ही सोचता था, आई हैव अ फ्रेंड, ही इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ही इज़ अ फादर ऑफ थ्री, ही रन्स मैराथन्स, और मतलब बहुत एक्टिव है। सुबह 5 बजे जब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ कराची में, मेरे घर के नीचे जॉगिंग करने आता है सुबह 5 बजे, राइट? वो मुझे बहुत बोलता है, सिगरेट के खिलाफ नहीं, वो वैसे ही कहते हैं कि अरे हेल्दी लाइफ स्टाइल रखो, यू नो, जिम जाओ, ये करो वो करो, डू समथिंग, मूव योर बॉडी। तो ना मैं यही सोचता था कि यार यू नो द फर्स्ट थिंग, और वो फूड के ऊपर बहुत फोकस करता है कि ट्राई टू हैव गुड फूड, पानी ज़्यादा पियो, मैं पानी बहुत कम पीता हूँ। ये देखें मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, एक सिप लिया खाली इसका, पानी मैं बहुत कम पीता हूँ। तो मैं ना हमेशा उस गिल्ट में रहता था कि यार व्हेन आई वेक अप द फर्स्ट थिंग आई पुट इन माई बॉडी इज़ फिल्थ, और जब मैं सोता हूँ सोने से पहले भी सबसे आखिरी चीज़ अपनी बॉडी में मैं फिल्थ डाल रहा होता हूँ। वाई एम आई डूइंग दिस टू माई सेल्फ, लाइक दिस इज़ अ टेम्पल, राइट? योर बॉडी इज़ योर, माई बॉडी इज़ माई टेम्पल ना। तो मैं अगर इसको एक टेम्पल समझता हूँ, अगर मैं अपनी बॉडी को मस्जिद समझता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें मैं गंद क्यों डालूँगा, राइट? तो फिर बस मैंने छोड़ दी, और अब मुझे बहुत फील होता है। अभी आई वॉज इन्वाइटेड बाई दिस गाय, उन्होंने मुझे शीशे पे इन्वाइट किया। सो आई वाज लाइक के आई हैव नेवर बीन अ शीशा स्मोकर, आई ऑलवेज फाउंड इट अ वेरी चाइल्डिश थिंग टू डू। आई डोंट नो, लाइक नो ऑफेंस टू एनी शीशा स्मोकर, मुझे समझ नहीं आता, ये क्या मैं लगा रहे और वो ब्लूबेरी मुंह में आ रही है, ये क्या बात हुई, ब्लूबेरी मुंह में आ रही है, अजीब लड़कियों वाली। खैर, तो वहाँ गया, सो ही ऑर्डर्ड अ शीशा, तो मेरा आई डोंट रियली स्मोक, तो एक मंगा लो, विल शेयर विद द नॉजल ना। तो मैंने अपनी ठरक मिटाने के लिए मैंने अच्छी तरह उसको पिया, एंड ही कुड टेल आई एम नॉट अ स्मोकर, क्योंकि वो धुएं के जो सही वाले होते ना शीशा स्मोकर, वो सही बादल बनाते ना, मुझसे बादल नहीं बन रहे थे। तो ही वॉज लाइक आफ्टर अ वाइल जब हम चिल हो गए, तो ही वॉज लाइक आई कुड टेल यू नॉट अ शीशा स्मोकर, मैंने हाँ बस मैं चूँकि सिगरेट छोड़ दिया, सो आई वॉज जस्ट लाइक मेकिंग अप फॉर इट। बढ़िया, ये भी ऑप्शन है, शीशा लेके घर में रख लो, मगर वो इज़ फार मोर डेंजरस, वो तो फिर 200 सिगरेट पीने के बराबर है। मतलब मैं एक चीज़ छोड़ूँ और दूसरी शुरू कर दूँ। हमारे बहुत से दोस्त हुआ करते थे किसी ज़माने में, उन्होंने रातों रात सिगरेट छोड़ दी थी, क्योंकि उनके वालिद साहब उनको ख्वाब में आए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उसके अपने बेटे के हाथ से गोल्ड लीफ छीनी और फेंक दी। तो जब वो सो के उठे, ही फिगर्ड के मेरा बाप मुझसे खुश नहीं है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, हिज़ फादर इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने सिगरेट छोड़ दी और शीशा शुरू कर दिया और शराब शुरू कर दी शीशा और बियर शुरू कर दी,
कह रहे भाई सिगरेट मना की थी ना, सिगरेट छीनी थी, अगर आके ये छीनेंगे तो मैं ये भी बंद कर दूंगा। मैं यार क्या लॉजिक है, वाह। खैर, सो कंग्रेचुलेशंस मैन, रियली हैप्पी टू नो। और बहुत से लोग साइकोलॉजिस्ट, देर आर फ्यू साइकोलॉजिस्ट ऑन माई सोशल एज वेल, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कोल्ड टर्की हम लोग कभी भी रिकमेंड नहीं करते किसी को भी कोई भी चीज़, क्योंकि उसमें भी रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनकी अपनी अपनी थ्योरी थी एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, ऑब्वियसली कोई ना कोई स्टडी होगी। बस मैं ये नहीं चाह रहा था कि ओ अब ये ख़त्म करने वाला हूँ और ये छूटने वाली है और ये जाने वाली है, तो उसमें शायद मैं फिर और पीता। बस मैंने आई डिडंट फील लाइक इट, आई वाज लाइक यू नो व्हाट फक इट। सो आई एम हैप्पी इवन दो आई एम नॉट अ गुड पर्सन व्हेन इट कम्स टू एडिक्शंस। ज़िंदगी में थोड़ी सी ही एडिक्शंस हैं, नशे कोई है ही नहीं। वही ये भी होता है, आई वॉज माई वाइफ एंड आई वी वेंट टू अ बार। अब आप बोलोगे बार गए थे, अबे भाई इतना ज़माना हो गया किसी शोर वाली जगह भी नहीं गए थे, अब यहाँ खुल गए हैं तो हम घुस गए एक में, मतलब चलो घुस के चलते हैं। अब मैंने भी रेडबुल ले ली, उसने भी रेडबुल ले ली, हम दोनों नहीं पीते, तो हम वहाँ खड़े हुए। तो मैं हम आगे पीछे देख रहे हैं, तो मैं अपनी बेगम को ना मैं यही कह रहा था, मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई नशा ही नहीं है, कुछ तो हो, कुछ है ही नहीं, एक सिगरेट थी वो भी चली गई। तो यार उस तरह तो फील ज़रूर होता है कि यार अब ज़िंदगी में कोई ना गिल्टी प्लेजर नहीं रहा। बट मैन आई डोंट थिंक सिगरेट्स आर वर्थ इट, फक इट, इफ आई कैन क्विट इट, इफ़ समवन लाइक मी कैन क्विट इट देन एनीवन कैन, बिकॉज मैं बड़ा वीक हूँ व्हेन इट कम्स टू मेकिंग सच डिसीजंस, मतलब सच सेल्फलेस डिसीजंस, क्यों मैं थोड़ा सा सेल्फिश होता हो जाता हूँ मामलात में। तो मगर ये कि आई मेड अप माई माइंड, मेरे दोस्त पी रहे होते हैं, कभी दिल भी नहीं करता कि लेके आऊँ। हाँ आई डिड स्मोक अप बीच में एक दो बार, दोस्त कर रहे थे, सो आई वाज लाइक ओके आई वांट टू गेट हाई, मगर वो हुआ तो खैर उसे कुछ भी नहीं। यूएस की बात है, यूएस में कहा, हाँ या, तो इट डिडंट रियली हैपन। वेप में भी किया, वो THC जो था, इट डिडंट हिट मी एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू, क्योंकि मैंने फिर लगवानी थी वैक्सीन, और वैक्सीन के बाद आपको पता है बॉडी हो जाती है अजीब स्टिफ, तो मैं वो पेन को नम करने के लिए मैंने THC खींची दबा के एक रात पहले, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी एक रात पहले नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद, क्योंकि अगली सुबह मैंने बीमार होना था, आई न्यू इट, सब होता है। तो मैंने जूस और वो टायलनॉल जमा करके रखी थी और होटल में पड़ा रहा था। इस पे भी मैंने बाय द वे वीडियो बनानी है, बहुत से लोग कह रहे हैं जी ट्रैवल और वैक्सीन और ये वो ये वो, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनानी है, इनफैक्ट एक आध दिन में बना देता हूँ। वैक्सीन मैंने अमेरिका से लगवाई, क्यों लगवाई, कैसे लगवाई, ये मैं आपको फिर उस वीडियो में बताऊँगा। चलें सक्सेस स्टोरी पे ही एंड करते हैं, एज़ रिकमेंडेड बाय दैट पर्सन जिनकी एक ईमेल आई थी कि यार किसी हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म किया करें, तो आज इत्तेफाक से एक सक्सेस स्टोरी मिल गई। इसी तरह की और आपकी सक्सेस स्टोरीज़ हों तो सक्सेस स्टोरी लिखा करें उस पर सब्जेक्ट पे, ताकि फिर मैं इस तरह का बना लूं कि चार सैड वाली पढ़ लें और फिर एक हैप्पी पढ़ के ख़त्म कर दें, ताकि अच्छे मोमेंट में हम विदाई लें। ठीक है, तो ऑन दिस नोट ले मी साइन आउट, और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट ऑन पेट्रियन, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। Your contribution helps me a lot in creating this show, because this is totally unbranded show. आपने देख ही लिया होगा, अब तक तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, so it helps me facilitate that. ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। खुदा हाफ़िज़।